लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट किया था। अब उस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमने पढ़ा कि हमें फाइनेंशियल डिसीजन लेने होते हैं और हमारे पास 3 फाइनेंशियल डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन, जिसमें से हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन कवर कर लिया था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल डिसीजन। तो देखते हैं फाइनेंशियल डिसीजन क्या है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन तो ले चुके हैं कि फाइनेंशियल डिसीजन क्या होते हैं। हम लोग फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या होता है, जहां पर हम ये जानने वाले हैं कि कितना अमाउंट ऑफ फंड हम अपने लॉन्ग टर्म सोर्सेज से रेज करने वाले हैं, कितना अमाउंट ऑफ फंड हम अपने लॉन्ग टर्म सोर्सेज यानी कि डेट और इक्विटी से रेज करेंगे। तो वो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इस बात को आप अफेक्ट करेंगे कि हमें डेट ज्यादा लेना चाहिए या इक्विटी, कब डेट लेना हमारे लिए फायदेमंद है और कब इक्विटी लेना हमारे लिए फायदेमंद है। तो जरा देखो, हमारे सामने है फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, जिसमें सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट का मतलब क्या है कि जब आप कोई फंड रेज कर रहे हो तो उस फंड को रेज करते टाइम आपको उसके ऊपर कुछ भरना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप डेट लेते हो, आपने कहीं से लोन लिया, तो लोन लेते टाइम आपको पता है आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भरना है। तो सपोज करो कि आपको डेट मिल रहा है 10% के इंटरेस्ट पे। वहीं अगर आप इक्विटी की तरफ गए, इक्विटी मतलब शेयर्स, शेयर्स के ऊपर आपको 12% का डिविडेंड देना पड़ रहा है, तो कौन सा सोर्स आपके लिए यहां पर कॉस्टली हुआ? इक्विटी। तो आप इक्विटी को प्रेफर नहीं करोगे, आप किसको प्रेफर करोगे यहां पे? डेट। यानी कि हमारा माइंडसेट क्या है कॉस्ट के लिए, कि जो चीपेस्ट सोर्स होगा हमारे लिए हम वहां से फंड रेज करेंगे। तो देखो, हमारा पहला पॉइंट यही है, द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इज डिफरेंट। अलग अलग सोर्सेज से जब हम फंड रेज करते हैं तो फंड रेज करने की जो कॉस्ट होती है वो डिफरेंट आएगी। ठीक है, सो अ प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजर वुड नॉर्मली ऑप्ट फॉर द सोर्स विच इज द चीपेस्ट। तो जो भी हमारे लिए चीपेस्ट सोर्स होगा हम उसको ऑप्ट कर लेंगे। तो इसके लिए देखो, मैंने ऊपर यहां पर एक फ्लो चार्ट बना रखा है जहां पर कॉस्ट, डेट और इक्विटी। तो डेट जनरली हमारे लिए चीपर होते हैं, इक्विटी हमें थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है रिस्क। अब अगर मैं रिस्क की बात करूं तो यहां पर आपको क्या लगता है कि रिस्क की कौन से होते होंगे, डेट या इक्विटी? आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। देखो, इक्विटी वालों का पैसा सिर्फ हमें तभी वापस करना है जब कंपनी बंद होगी, पहली बात, और उन्हें डिविडेंड भी तभी देना अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप डेट लेते हो तो डेट लेते ही आपके कंधों पे दो बर्डन आ जाते हैं। पहले कंधे में बर्डन है इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन, आपको प्रॉफिट हो या ना हो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दूसरा आपके कंधों पे बर्डन है रीपेमेंट, एक टाइम के बाद आपको प्रिंसिपल अमाउंट वापस करना है। तो डेट ज्यादा रिस्की हुए ना। तो अगर हम रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डेट हमारे लिए ज्यादा रिस्की है, इक्विटी हमारे लिए कम रिस्की होता है। तो देखो, द रिस्क एसोसिएटेड विद ईच ऑफ द सोर्सेज आर डिफरेंट। इसी तरीके से हर सोर्सेज के साथ जुड़ा हुआ रिस्क भी कैसा होता है, डिफरेंट होता है। डेट इज रिस्की एज इट कंपल्सरी टू पे द इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल अमाउंट ऑन मेच्योरिटी। तो डेट को हम रिस्की इसलिए कहते हैं क्योंकि एक टाइम बाद हमें इनका प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करना है, और जब तक पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक इंटरेस्ट भी हमें इसके ऊपर पे करना है। ठीक है, नेक्स्ट फ्लोटेशन कॉस्ट। अब फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है? फ्लोटेशन कॉस्ट होती है द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको किसी बैंक से लोन लेना है, ठीक है, आप ना एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी रेज करने जा रहे हो इन टर्म्स ऑफ लोन फ्रॉम एनी बैंक। लाइक आपको 10 लाख रुपए का लोन लेना है, तो आपने जिस बंदे से बातचीत कर रखी है ना, उसने कहा मैं लोन तो दिलवा दूंगा लेकिन मैं 20,000 रुपए कमीशन लूंगा। तो आपको ये कमीशन देनी पड़ रही है उस एजेंट को, प्लस फाइल चार्ज लग रहे हैं आपके कुछ, ठीक है। तो वो 10 लाख रुपए के लोन को लेने के लिए लगभग आपको 30,000 रुपए खर्च करने पड़े, सपोज फॉर एग्जाम्पल। ये नहीं कह रही मैं कि फाइल चार्ज इतना होता है इतना होता है, एक एग्जाम्पल हमने ले लिया कि हमें 30,000 रुपए खर्च करने पड़े, ठीक है। इसी तरीके से जब इक्विटी यानी कि जब आप शेयर्स इश्यू करते हो तो आपको पता है आपको बैंकर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं, प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ता है, तो उस टाइम पे भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो ये जो खर्चा आप कर रहे हो फंड को रेज करने के लिए, अभी आपके पास पैसा आया नहीं है, उस पैसे को अपने पास लाने के लिए आपको जो खर्चा करना पड़ रहा है उसे बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड फ्लोटेशन कॉस्ट। कॉस्ट का तो मतलब होता है कि वो डेट कितने का पड़ रहा है हमें। लाइक अगर आपने उधार लिया है तो उसके ऊपर आप 10% का इंटरेस्ट भर रहे हो, कॉस्ट है उसकी। लेकिन फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या है, उस डेट को लेने के लिए जो आपको खर्चा करना पड़ा, ठीक है।
सो फ्लोटेशन कॉस्ट मीन्स द फंड रेजिंग एक्सरसाइज ऑल्सो कॉस्ट समथिंग, यानी कि जब आप किसी फंड को रेज करते हो, जब आप कहीं से पैसा लेते हो तो उसके ऊपर भी कुछ खर्चा होता है. दिस कॉस्ट इज कॉल्ड द फ्लोटेशन कॉस्ट. तो इसी कॉस्ट को फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं. और जिस भी सोर्स की फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा होगी वही सोर्स हमारे लिए कम अट्रैक्टिव हो जाएगा. तो ऐसा माना जाता है कि जो डेट होता है उसकी फ्लोटेशन कॉस्ट कम होती है. तो अगर हमें डेट की फ्लोटेशन कॉस्ट कम लग रही है तो हम डेट को ऑप्ट कर लेंगे. अगर हमें लगता है कि इक्विटी की फ्लोटेशन कॉस्ट हाई है तो हम इक्विटी की तरफ नहीं जाएंगे, हम फिर डेट की तरफ जाएंगे. और कभी अगर ऐसा हुआ कि भाई डेट ज्यादा महंगे लग रहे हैं तो इन दैट केस हम इक्विटी को ले लेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, कैश फ्लो पोजिशन ऑफ द कंपनी. कैश फ्लो पोजिशन ऑफ द कंपनी. अब कैश फ्लो पोजिशन की अगर मैं बात करूं तो किसी भी कंपनी को कुछ चीजों के लिए कैश फ्लो चाहिए. क्या क्या चीजों के लिए कैश फ्लो चाहिए? तीन चीजों के लिए चाहिए. एक तो आपको अपने नॉर्मल बिजनेस की फंक्शनिंग के लिए पैसा चाहिए. दूसरा, अगर आपने डेट ले रखा है तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पेमेंट है, आपके ऊपर इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन है, आपको उसके लिए पैसा चाहिए. तीसरा, वही रीपेमेंट ऑफ योर प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द डेट, उसके लिए आपको पैसा चाहिए. तो अगर इन सबको करने के बाद यू आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो पोजिशन तो आप डेट की तरफ जा सकते हो. क्यों? क्योंकि डेट मैंने अभी आपको बताया ना, कंधों पे दो बर्डन है. अगर आपके पास ऑलरेडी कैश कम है, कम पैसा रहता है आपके पास, आपने कहीं से पैसा उधार ले लिया तो भाई इंटरेस्ट तो भरना पड़ेगा ना. तुम्हारे पास, तुम्हारे जेब में पैसा नहीं है और तुमने ऊपर से उधार ले लिया तो तुम्हारे ऊपर और बर्डन आ जाएगा. तो ऐसे में इक्विटी की तरफ जाना चाहिए क्योंकि इक्विटी वालों के साथ हमारे पास ऐसा कोई रिस्क नहीं होता कि पैसा देना ही देना है. ठीक है. लेकिन अगर आप एक स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो पोजिशन पे हो तो चलो आप डेट की तरफ जाओगे. अगर आप वीक कैश फ्लो पोजिशन पे हो, आपके पास इनफ कैश फ्लो जनरेट नहीं होते हैं, तो आप इक्विटी की तरफ जाओ. ठीक है. तो क्या कंक्लूजन निकला कि अगर आपकी कैश फ्लो पोजिशन स्ट्रांग है तो डेट पे जाओ, अगर वीक दिख रही है अपनी कैश फ्लो पोजिशन तो आप इक्विटी की तरफ जा सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट इज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट. फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? देखो, आप बिजनेस चला रहे हो, आप बिजनेस चलाते जाते हैं ना, आपके कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो फिक्स होते हैं, जो आपके बिजनेस को रन करने के लिए आपको करने पड़ रहे हैं. जैसे कि आपने कोई बिल्डिंग ले रखी है, जिस बिल्डिंग में आप काम करते हो, अपना बिजनेस चला रहे हो, उस बिल्डिंग का रेंट फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट में काउंट होगा. उसके अलावा आपने अपने सामान का इंश्योरेंस करा रखा है, बिल्डिंग का इंश्योरेंस करा रखा है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम आप भरते हो. तो ये हमारे कुछ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है. तो अगर ऑलरेडी आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई जा रही है तो आप खुद मुझे बताओ, डेट लेना फायदेमंद है कैसे में? क्योंकि डेट एक खर्चा लेकर आता है, डेट भी एक फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज लेकर आता है. जहां पर ये ऑपरेटिंग चार्जेस है, डेट को लेना फाइनेंशियल चार्ज है. तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि जब मेरे कंधों पे ऑलरेडी बहुत सारे खर्चे हैं तो मैं एक और खर्चा ऐड करूं. तो अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई दिख रही है तो ऐसे में डेट नहीं, ऐसे में इक्विटी लेना प्रेफरेबल है. लेकिन जब हमें दिख रहा है कि फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो इन दैट केस आप डेट की तरफ जा सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट, कंट्रोल कंसिडरेशन की अगर हम बात करें, कंट्रोल की अगर हम बात करें तो देखो, डेट, बाहर की उधारी हमारे बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करती. अगर हमने बाहर से पैसा उधार लिया है तो उन्हें किसी बात से मतलब नहीं है. उन्हें टाइम पे अपना इंटरेस्ट मिल रहा है, मैच्योरिटी पे आप उनका पैसा वापस कर दोगे, वो आपकी कंपनी में झांक कर भी नहीं देखेंगे. लेकिन इक्विटी वाले पूरा झांकेंगे. इक्विटी का मतलब ही क्या है कि आप उन्हें मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट देते हो. तो अगर आप इक्विटी शेयर्स पे जाते हो, अगर आप इक्विटी से फंड रेज करते हो तो आपका कंट्रोल डाइल्यूट होगा. लेकिन वहीं पे अगर आप डेट की तरफ जाते हो तो आपका कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता. तो अगर आप कंफर्टेबल हो कि ठीक है, अगर हमारा कंट्रोल, हमें डाइल्यूट नहीं करना, अगर आपको कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करना तो आप डेट की तरफ जाओ. अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कंट्रोल आप शेयर कर रहे हो किसी के साथ, तो आप इक्विटी की तरफ जा सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट के हालात कैसे हैं? कैपिटल मार्केट इन द सेंस, कैपिटल मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट बेसिकली, है ना. सिर्फ स्टॉक मार्केट से आप इसको समझ सकते हो. तो कैपिटल मार्केट में दो फेजेस होते हैं हमारे पास. तो कैपिटल मार्केट में दो फेज देखने को मिलते हैं आपको, बुलिश और बियरिश. जो बुलिश फेज होता है उसका मतलब होता है कि स्टॉक प्राइसेस हाई हो रही है. स्टॉक प्राइस यानी कि मार्केट में आपको आपके शेयर्स के प्राइस अच्छे मिलेंगे, यानी कि बेचने का फायदा है. अगर आपके पास बुलिश फेज है, बुलिश फेज का मतलब क्या है? स्टॉक प्राइसेस हाई, मार्केट अच्छी चल रही है, तो ऐसे में शेयर्स इश्यू करने पे फायदा है.
लेकिन अगर बियरिश फेज है, बियरिश फेज मतलब मार्केट मंदी है, डाउन जा रही है शेयर प्राइसेस, तो ऐसे में शेयर्स खरीदने का फायदा होता है। ठीक है, तो अगर आपको बियरिश फेज दिख रहा है तो आपको आपके सामान को बेचने पे ज्यादा फायदा ही नहीं होगा। शेयर्स बेचने जाओगे आपको सब पैसे ज्यादा थोड़ी मिल रहा है, मार्केट मंदी चल रही है, मंदी चलने में आपको बेचने में फायदा नहीं, खरीदने में फायदा होता है। दैट केस आप डेट की तरफ जाओ। तो अगर बियरिश फेज है तो आप डेट की तरफ जाओ, लेकिन अगर बुलिश फेज है तो बुलिश वाले फेज में तो अच्छा है शेयर्स को इश्यू करना, अच्छे पैसे मिलेंगे, तो वहां पर डेट पे मत जाओ, वहां पर इक्विटी से फंड रेज करो। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, थीके?